ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। बुध को युवराज कहते हैं, यानी तीव्र गति से मार्गी होना, तीव्र गति से अस्त होना, तीव्र गति से वक्री होना, यह सब बुध का कार्य है। और मित्रों, बुध का जो संबंध है यह आपकी वाणी का कारक है। उत्तर दिशा का स्वामी है, पृथ्वी तत्व है, द्विस्वभाव है। और प्रिय बंधु, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके बुआ बहन, इन सब से भी बुध का संबंध है। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति शुभ है तो जातक वकील वक्ता एडवोकेट लॉयर यानी वाणी से संबंध है, स्पीकर ज्योतिषी मार्गदर्शक और बुद्धि विवेक से भी इसका संबंध है। इलेक्ट्रॉनिक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट्स, सीए, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों का जो संबंध है वह सीधा बुध से होता है। शुभ स्थिति होने पर, अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति शुभ है तो जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है। और अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति शुभ नहीं है तो इन सभी क्षेत्रों में उसको कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्राशि पर आधारित है। चंद्राशि नहीं मालूम है, परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब तक बुध आपके मित्र सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब अपनी मूल त्रिकोण जो उनकी उच्च की राशि भी कहलाती है यानी कन्या राशि में 20 अगस्त की रात को यानी 20 अगस्त रात्रि 2:05 पर अपनी मूल त्रिकोण यानी उच्च कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह इनकी मूल त्रिकोण राशि भी और उच्च की राशि भी कहलाती है। इस वीडियो में जानकारी देंगे हम आपको मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। यानी मिथुन राशि वाले जातक, यहाँ पर जो बुध का ट्रांसिट हो रहा है वह आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है यानी केंद्र में। अपनी मूल त्रिकोण उच्च की राशि है तो यहाँ पर एक पंच महापुरुष योग में से योग बनता है भद्र नामक योग, तो यहाँ पर आपकी कुंडली में भद्र नामक योग भी बन रहा है। और देवगुरु बृहस्पति से यहाँ पर आपका समसप्तक योग भी बन रहा है। ये काफ़ी शुभ स्थिति है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। घर में लग्जरी आइटम बढ़ेंगे, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बढ़ने की संभावना रहेगी। सुख शांति का माहौल रहेगा। माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी में कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे आप बाहर आएंगे। और अब तक अगर आप प्रयासरत थे और आपको किसी योजना में सफलता नहीं मिल रही थी, अब आप भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई योजना बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और इन सब चीज़ों की प्राप्ति के योजना पर आपको बन रहे हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए। उसके बाद बुध आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर अगर आप काउंसलर हैं, उपदेशक हैं, कथावाचक हैं या ज्ञान बांटने का कार्य करते हैं, अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं किसी कार्य में, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपके अंदर नए नए आइडियाज़, नए नए विचार उत्पन्न होंगे, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। ओवरऑल स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में है। करियर व्यवसाय को लेकर तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई नौकरी करते हैं उसमें कुछ चेंजेस लाना है, तब्दीली लानी है, नौकरी चेंज करनी है कर सकते हैं। व्यापार में, बिजनेस में कोई बड़ा परिवर्तन, कोई चेंजेस लाना है तो लाइए। यहाँ जितना पुरुषार्थ, जितना परिश्रम, जितना प्रयास आप करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सुफलों की प्राप्ति होगी। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लाभ गेन करेंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, धन का आगमन सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बड़े भाई बहन मित्र और उनसे लाभ गेन करेंगे और अंततः आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो जातक विदेशों हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। उनकी नौकरी छूट सकती है, कुछ संघर्ष की स्थिति बन सकती है। आपका विदेशों से संबंध आना जाना रहता है तो आपके थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं।
चूँकि आपकी राशि के ऊपर शनि की अढ़िया भी चल रही है, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, व्यर्थ लाभ व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट उनसे मत करें, विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतें, कोई व्यवधान कोई आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है, आध्यात्मिकता के भाव में संभवतः थोड़ी कमी आएगी, लेकिन आप अपने भगवान इष्ट का ध्यान करते रहिए, चूँकि ये समय अस्थायी नहीं है। आज जो आप भगवान का ध्यान पूजा पाठ करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा। कोई चोट फेट एक्सीडेंट, अचानक हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, ये चीज़ें भी थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, मैरिड है, विवाहित है, पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे वहाँ से राहत मिलेगी, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ मिलेगा, आध्यात्मिकता के विचार उत्पन्न होंगे, भगवान की पूजा पाठ चैरिटी जो आप करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए सफलता मिलेगी, विवाह शादी के संबंध सुंदर में बनेंगे तो आप बनने जा रहे हैं, नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, भविष्य के लिए निवेश करना चाहें कर सकते हैं, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपका आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा आपका, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन आपके स्थापित होंगे, आपकी इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ेगी, वहाँ से लाभ गेन करेंगे, आपके छोटे भाई बहन मित्र वर्ग आपके सहकर्मी आपके पड़ोसी मिलने जुलने वाले लोग वेल विशर उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा और आप वहाँ से लाभ गेन करेंगे, नए संबंध आपके स्थापित होंगे, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। शत्रु पक्ष थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा परेशान करने की कोशिश करते तो जो आपको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, थोड़ा संघर्ष और परेशान आपको अधिक करना पड़ेगा, कोई कर्जा लेने से बचें नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा हेल्थ के प्रति भी थोड़े सजग रहें। ओवरऑल मित्रों देखिए यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर स्थिति ठीक है, आपके अनुकूल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए मित्रों यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। अगर मिथुन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तो संभवतः आपको यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए काफ़ी तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है, लाभदायक सिद्ध होने वाला है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं। उपाय के तौर पर आप हर बुधवार को हरिदुर्वा गणपति भगवान को अर्पित करें, काली चींटियों को और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।